हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सब। मेरा नाम पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक तराजू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएसएफ और सीआईएसएफ के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप बीएसएफ या सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि अभी जेएनके में होने वाला है 12 अप्रैल को, बीएसएफ और सीआईएसएफ का पेपर होने वाला है 12 अप्रैल को, तो उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ अकॉर्डिंग टू सैम्पल पेपर, जो कि प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। अगर आप जेएनके से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को अपना सपोर्ट भी दिखा दीजिएगा। तो मैं आपके लिए जहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो ये क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में 100% इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के रिलेटेड ही हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चन को पूरा जो है देख लीजिएगा। आप जो है इन क्वेश्चन को जो है वो लर्न करके भी जाइएगा, यानी कि इनको आप जो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जहां पे मैं आपको वो क्वेश्चन जो है वो दिखा देता हूं, तो जहां पे हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने लगाया था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आपको बीएसएफ के एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम जो होगा वो 10th और 12th इसका बेस है, तो आपको 10th और 12th के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जहाँ पे ऑप्शन हैं, बाल गंगाधर तिलक ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है भगत सिंह, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो आप जल्दी से जो है वो इनका आंसर बता दीजिए। तो मैं आपको अभी इसका आंसर बताने वाला हूँ, तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, सुभाष चंद्र बोस, यानी कि किसने कहा था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, यानी कि एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, तो वो आपको जल्दी से बताना है। तो मुझे लगता है जैसा क्वेश्चन इसका आंसर सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको इसका आंसर ऑप्शन भी बता देता हूँ, ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है कोलकाता और डी है राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन आंसर जो है वो है डी राजस्थान। राजस्थान जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट है। तो अब आपको जो है वो स्टेट्स के बारे में भी पढ़ के जाना है, स्टेट्स कैपिटल भी आपको जहाँ पे पूछा जाएगा अगर आप इसके जो है पेपर की तैयारी कर रहे हो। बात कर ले सबसे छोटी स्टेट की एरिया वाइज, तो वो है गोवा, और पॉपुलेशन वाइज बात कर ले सबसे बड़ी स्टेट की, तो वो है उत्तर प्रदेश। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। तो जहाँ पे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है नंदा देवी, बी ऑप्शन है कंचनजुंगा, बी ऑप्शन है माउंट, सी ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट और डी ऑप्शन है काराकोरम। तो जहाँ पे आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है, तो जहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो मैं आपको इसका ऑप्शन अभी बता देता हूँ। तो इसका ऑप्शन है सी पार्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी पीक है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की, इंडिया की सबसे बड़ी पीक कौन सी है, वो है कंचनजुंगा। तो अब बात कर लेते हैं जहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो जल्दी से इसका आंसर जो आप बता दीजिए, जहाँ पे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इंडिया ओशन, बी ऑप्शन है अरबियन सी, सी ऑप्शन है अटलांटिक ओशन और डी ऑप्शन है पैसिफिक ओशन। तो जल्दी से इसका आंसर जो है वो कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, पैसिफिक ओशन, यानी प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पीरियर इन इंडिया, यानी कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसमें जनरल नॉलेज के भी पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन होंगे टोटल इसमें जनरल नॉलेज के, तो उसमें से आपको ये हिस्ट्री क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाला हूँ, इसमें से आप देख लेना अपने एग्जाम में आपको 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो जे जितने भी क्वेश्चन हैं जे मैंने जो है प्रीवियस एग्जाम जो हुए हैं उन्हीं से जो है वो निकाले हैं। तो जहाँ पे इसका ए ऑप्शन है शेर शाह सूरी, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है औरंगजेब और डी ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, बहादुर शाह जफर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन विच ईयर, यानी कि कोलंबस जो था उसने अमेरिका की खोज कब की थी, कौन से साल में की थी। तो जहाँ पे ए ऑप्शन है 1591, बी ऑप्शन है 1490, सी ऑप्शन है 1492 और डी ऑप्शन है 1600। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी 1492, यानी कि 1492 में जो है अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। तो जहाँ पे क्वेश्चन और बन जाता है कि
भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? चाइना की करेंसी का क्या नाम है? तो ए ऑप्शन है क्रोन, बी ऑप्शन है जेन, सी ऑप्शन है रुपया और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट जेन, यानी जेन जो है वो चाइना की करेंसी है और रुपये जो है वो इंडिया की भी है, इंडिया की करेंसी है। तो बात कर लेते हैं जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा? यानी कि त्रिपुरा की कैपिटल आपको बतानी है, राजधानी कौन सी है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि राजधानी का क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आपको कैपिटल जो है वो पढ़ के जाना है। तो जहाँ पे ए ऑप्शन है शिलोंग, बी ऑप्शन है इम्फाल, सी ऑप्शन है अगरतला और डी ऑप्शन है कोहिमा। तो जहाँ पे इसका सही आंसर जो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी अगरतला। त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन विच ईयर? यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गए हैं, तो आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये इसे भी जो है पढ़कर जाना है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1940, बी ऑप्शन है 1910, सी ऑप्शन है 1905 और डी ऑप्शन है 1906। कब हुई थी? तो इसका सही आंसर आपको जल्दी से बताना है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1906 में, यानी 1906 में हुई थी। तो बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 की, विच कलर अपेयर ऑन द टॉप ऑफ नेशनल फ्लैग? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके टॉप पे कौन सा कलर होता है? तो जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है, तो ये सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का। बेसिक आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बेसिक ही होंगे, यानी आपका बेसिक नॉलेज वहाँ पर देखा जाएगा। तो ये कुछ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन है ग्रीन, बी ऑप्शन है सैफरॉन, सी ऑप्शन है रेड और डी ऑप्शन है ब्लू। तो इसका जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी सैफरॉन, यानी केसरी कलर आपको जो है टॉप पे दिखेगा झंडे के। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की, हाउ मेनी टाइम्स ए मिनट डज द हार्ट ऑफ यंग मैन बीट? यानी कि एक मिनट में एक यंग आदमी का दिल जो है वो कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ए ऑप्शन है 72 times, बी ऑप्शन है 108 times, सी ऑप्शन है 50 times और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 72 times। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की, व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स वॉल्यूम? जब पानी जो है फ्रीज करता है तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है? ए ऑप्शन है इंक्रीज, बी ऑप्शन है डिक्रीज, सी ऑप्शन है एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है, या डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन इंक्रीज। तो साइंस के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच इज कास्ट बाई द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन का भी आपको पढ़ के जाना है, इसमें से भी आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो जहाँ पे ए ऑप्शन है रिक्टिस, बी ऑप्शन है स्कर्बी, सी ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस या डी ऑप्शन है बेरीबेरी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा जो है वो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होगा? ए ऑप्शन है Na04, बी ऑप्शन है KN03, सी ऑप्शन है KCl या डी ऑप्शन है NaCl। तो इसका क्या आंसर होगा सही जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी NaCl। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? यानी इंडिया में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो एग्जाम पे आपको सोच लीजिए आप, तो मैं इसका आंसर अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 8, यानी इंडिया में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अभी फिलहाल कितनी है? 8 है, पहले थी 9 और अभी है 8। तो ये क्वेश्चन आपको, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए इनमें से आपको एग्ज़ाम में आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चन को आप पक्का जो है देख के एक बार जाइएगा। तो मैं आपके लिए डेली जो है इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ नॉलेज के रिलेटेड, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप जो मेरे वीडियो देखना चाहते हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसमें आपको जो है वो लगता है कि हाँ आपके रिलेटेड, यानी कि आपको अगर कुछ भी लगता है कि मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और मुझे जो है वो आपका